बताओ, एक ही माँ के दो बेटे हैं और माँ कितना भेदभाव करती हैं अपने दोनों बच्चों पर। मानती हूँ कि मैं दूसरे घर से आई हूँ, चलो कोई नहीं, कम से कम जो नाती है नाती है उसको तो प्यार करना चाहिए ना बराबर। लेकिन बताओ, इतने छोटे छोटे बच्चों से भी भेदभाव करती हैं। इनसे कभी कुछ कहो तो उल्टा मुझे ये चिल्लाने लगते हैं। बताती हूँ आज मैं इनको, अभी फ़ोन लगाती हूँ इन्हें। अब फ़ोन नहीं उठाएंगे, लगा रही हूँ बार बार फिर भी फ़ोन कट कर रहे हैं। हेलो, कहाँ हो इतना बिजी, मेरा फ़ोन काहे काट रहे हो? अरे भाई क्या हुआ, मीटिंग में था इसलिए नहीं फ़ोन उठाया, बोलो क्या हुआ? आप मुझे आज बता ही दीजिए कि आप अपनी माँ के सगे बेटे हो ना? रोड से नहीं तो अनाथ आश्रम से उठा के तो नहीं लाई थी ना आपको? अरे नहीं भाई, क्या हो गया, ऐसी बातें क्यों कर रही हो, दिमाग तो सही है ना तुम्हारा, हुआ क्या ये बताओ पहले तुम। क्या नहीं हुआ, अरे अभी अभी मैं जेठानी जी की और अम्मा जी की बात सुनकर आई हूँ। आपको पता है घर में पूजा होने वाली है? अरे तो क्या हो गया, घर में पूजा होने वाली है तो? अरे भाई पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो, बाद में अपनी टिप्पणी करना। आप तो कभी मेरी पूरी बात सुनते ही नहीं है, पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। अरे तो महाराज बताओ तो सही, तुमको क्या दिक्कत है, घर में पूजा हो रही है तो? अरे मुझे पूजा से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत ये है कि हमेशा घर में पूजा होती है तो हमेशा जेठानी जी और जेठ जी बैठते हैं। अरे हम भी तो इसी घर के बेटे और बहू हैं, हमें कभी क्यों नहीं बैठाते पूजा में? हमारा इस घर से क्या लेना देना है, सिर्फ इतना कि हम बस काम करते रहें और आप कमा कमा के पैसे देते रहें। हमेशा बड़े बेटे बड़े बहू बैठेंगे जैसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे छोटे बहू छोटे बेटे कोई इंसान नहीं है क्या? उन्हें भी तो कभी पूजा पाठ में बैठने का मौका दो कि बस जब जरूरत पड़े तभी याद करो काम के लिए। देखिए जी, मैं हमेशा चुप रहती हूँ, सोचती हूँ कुछ बोलूँ नहीं। अरे इन लोग जो ऐसा करते हैं ना मेरे साथ, अब मैं ही जानती हूँ। अब ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, आखिर कब तक चुप रहूँ मैं? आपको पता है मम्मी जी ना जेठ जी को और जेठानी जी को नए नए कपड़े दिलवा रही हैं, अब वो भी हमसे छुपा कर। पैसे किससे लिए जाएंगे? आपसे, और उसी पैसे में हमारा ही हक नहीं है। जेठानी जी की लड़की के लिए अम्मा जी ने ना तोले भर का ब्रेसलेट बनवाया है सोने का, वो भी मुझसे छुपा कर। और आपको पता है ये सारी चीजें हमसे छुपा के हो रही हैं। पता है अम्मा जी क्या बोली कि अगर इन सब के बारे में छोटी बहू को पता चल जाएगा तो बोल देना कि मेरे मायके वालों ने दिया है। अब बताइए आप, ये अम्मा जी कर क्या रही हैं घर में जेठानी जी के साथ मिलके? अरे अम्मा जी को तो हमेशा जेठानी जी के बच्चों की पड़ी रहती है। अरे कभी हमारे बच्चों के लिए कभी एक छोटा सा खिलौना भी ला के दिया है कभी? अरे यार तुम क्यों दिमाग खराब कर रही हो, क्यों गुस्सा कर रही हो? अरे ये सब छोटी बातें हैं, इन सब में फालतू ध्यान मत दिया करो, तुम खुद का भी दिमाग खराब करती हो मेरा भी। अरे माँ का है, देने दो जिसको देना हो, तो तुमको क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क नहीं पड़ता है ना, इसी कारण अम्मा जी ये सब कर रही हैं, ये सब आपकी चुप्पी का ही नतीजा है। अरे यार अगर तुम्हें कुछ चाहिए अपने लिए तो बताओ ना क्या चाहिए, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज देता हूँ, बच्चों को भी दिलवा देना, खुद भी ले लेना। देखो माँ के बारे में कुछ मत बोला करो, वो मेरी माँ है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता हूँ, उनके बारे में कुछ भी बोलती हो तो मुझे बुरा लगता है यार, चला मेरे बारे में तो सोचो, आखिर माँ है वो मेरी। और ये सब मुझे पता है, आज की बात नहीं है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि हमेशा वो भैया जी को ज्यादा ही प्यार करती हैं, लेकिन मैं कभी उनके खिलाफ नहीं गया। भैया जी के शादी के बाद भाभी आ गई तो उनको भी प्यार करने लगी वो ज्यादा, अब उनके बच्चे भी पहले हुए तो उन्हें भी ज्यादा मान रही हैं। अब बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जैसा वो कर रही हैं करने दो, तुम्हें किसी चीज की कमी है क्या? मैं कोई कमी होने देता हूँ तुम्हारे लिए, सब कुछ तो करता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए। अब देखो मेरी माँ है, मैं उनसे लड़ नहीं सकता हूँ। समझती हूँ जी, लेकिन वो क्यों नहीं समझती आपकी फीलिंग्स को, ना ही हमारी फीलिंग्स को? अरे मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ लेकिन अपने बच्चों के लिए इतना भेदभाव मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ। वो मेरे साथ करें चलो ठीक है, लेकिन बच्चों के साथ क्यों करती हैं वो ऐसा? देखिए वो अगर मेरे बच्चों के साथ ऐसा ही करेंगी ना तो मैं अब चुप नहीं रह सकती हूँ, अब बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी ये सब। आप तो कुछ बोलेंगी नहीं तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। तुम भी अब सुनोगी नहीं मेरी बात, चलो रखो हो गया, जो तुम्हारा मन हो करो, मैं तो यही कहूँगा कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला है, जो भी होगा शांति से ही होगा,
ना ही मेरे बच्चों के लिए किसी चीज की कमी है और ना ही मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। फिर भी अगर तुम्हें माँ से लड़ना है तो लड़ो, क्या कर सकता हूँ मैं। मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ना तो मैं माँ का साथ दूंगा ना ही तुम्हारा साथ दूंगा, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। ठीक है जी, मैं आपसे उम्मीद भी नहीं कर रही हूँ, अब जो भी करूँगी मैं ही करूँगी। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, ये देखो कहाँ मर गई, कब से आवाज लगा रही हूँ। अरे महारानी, एक कप चाय बना के लेके आ मेरे कमरे में। अम्मा आवाज लगा रही है क्या तुम्हें? हाँ लगा तो रही है, देखिए तो सही, चाय पीना है तो मेरी याद आ रही है इन्हें, और जब कुछ इन्हें लेना देना होता है तो सिर्फ बड़ी बहू ही दिखती है इनको। अरे यार ले जाओ, उनके लिए चाय मंगा रही है तू। कुछ नहीं ले जाने वाली हूँ और ना ही कुछ बोलूंगी मैं, चिल्लाती रहे जितना उनको चिल्लाना हो तो। बड़ी बहू को बस अपने सामने बैठा के रखना है और छोटी बहू से काम करवाना है। मैं भी चुप नहीं बैठने वाली हूँ और ना ही कोई काम करूँगी, जो एक बार मैं सुन लेती हूँ ना अपने ही सुनूंगी, तभी इनकी दिमाग सही होगी। पूरा दिन पीछे पीछे लगी रहती हूँ, फिर भी कहेंगी क्या करती है क्या करती है। बहुत बर्दाश्त कर लिया इन सब का, अब मैं नहीं करूँगी ये सब बर्दाश्त। अरे ठीक है यार, तुमको जो करना है वो करो, अब मैं रखता हूँ, मुझे ऑफिस में काम भी है, फोन में बात करने के लिए नहीं आता हूँ यहाँ। ठीक है रखिए, चलो बाय, शाम को मिलता हूँ। कुछ लाना है तुम्हारे लिए? कुछ मत लाइए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, अगले हफ्ते तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊंगा, ठीक है? ले लेना अपने मनपसंद का जो कुछ भी लेना होगा। रहने दीजिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सारा पैसा आप अपनी अम्मा जी को दे दीजिए और अपनी भाभी को। अरे यार यही फिर तुम्हारा अच्छा नहीं लगता है, जो बात बात पे चिढ़ने लगती हूँ। अरे यार मेरी क्या गलती है? अरे यार किसी से प्यार मांग के नहीं लिया जाता है, जिसको प्यार करना होगा अपने से ही करेगा। अब अम्मा नहीं सोचती है मेरे बारे में तो मैं क्या करूँ, मेरी भला क्या गलती है इसमें? अब क्या तुम्हें बस बुरा लगता है? मुझे भी लगता है लेकिन अब मेरी आदत पड़ गई है। धीरे धीरे टेंशन मत लो, तुम्हारी भी पड़ जाएगी। मैं पढ़ने ही नहीं दूंगी, मैं अपने बच्चों के लिए और आपके लिए डट कर खड़ी रहूंगी। अब बहुत कुछ हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, सिर्फ मैं अपने लिए ही बर्दाश्त कर सकती हूँ, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए मैं कभी ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, भेदभाव समझे आप, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है मेरी माँ, जो मन हो तुम्हारा करो, चलो बाय, रखता हूँ। रखिए। अरे कहाँ मर गई, सुन ले, ले आ जल्दी से, एक कप चाय के लिए मंगा रही हूँ, सुनी नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। बना देती हूँ अम्मा जी के लिए चाय, नहीं तो जान ही अटक जाएगी चाय बिना इनकी। हाँ नहीं तो परेशान करके रख दिया है, पहली बार ऐसी माँ देख रही हूँ कि सगे बेटों पर इतना भेदभाव करती हूँ। पता नहीं अभी बच्चे स्कूल से आए कि नहीं, उन्हें भी लेने जाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, ये अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका आगे का पार्ट बाकी है, जो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।